हेलो एवरीवन, मैं रूबी आरबी कैमोमैथी के चैनल के थ्रू आप लोगों को फिर से केमिस्ट्री पढ़ाने आ गई। जो मैं ट्रिकी ट्रिकी वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, ये मेरा दूसरा ट्रिकी वीडियो है। इसमें पहले तो हम लोगों ने एस ब्लॉक का पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे पी ब्लॉक के बारे में। ओके, लेट अस स्टार्ट। चलिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये जितने भी हैं सब पी ब्लॉक में आते हैं, ठीक है। और इतना जान लो कि ग्रुप किसके कहते हैं, पीरियड किसे कहते हैं। फिर से अगेन आई रिपीट, जितने भी वर्टिकल्स कॉलम है इट्स ऑल द ग्रुप, ओके। एंड जितने भी हॉरिजेंटल कॉलम्स हैं, सॉरी जितने भी हॉरिजेंटल्स हैं, ठीक है, इन सबको कहेंगे हम लोग पीरियड। और जितने भी वर्टिकल्स हैं इनको हम लोग कहेंगे क्या कहेंगे, ग्रुप। इतना तो समझ में आ गया, ग्रुप किसे कहते हैं, पीरियड किसे कहते हैं। अब नंबरिंग कैसे हम लोग इसको किए हैं, देखिए ये ग्रुप 13 में आते हैं, इन्हीं कहते हैं हम बोरोन की फैमिली, ठीक है। फैमिली क्यों कहते हैं, मैं थोड़ा सा आपको समझने के लिए एक स्टोरी सुनाती हूँ। जैसे कि आपके मान लो कॉलोनी डिवाइडेड है, ठीक है, सबकी कॉलोनी डिवाइडेड है, और मान लो स्टार्टिंग में जिनका घर है, ठीक है, जैसे कि होता है ना कुछ कॉलोनी या कुछ अपार्टमेंट के नाम होते हैं, जैसे कि सनसन अपार्टमेंट, पुष्पांजलि अपार्टमेंट एंड बहुत सारे अपार्टमेंट नेम होते हैं, उसी तरह समझ लो कि अपार्टमेंट है, ठीक है। लंबी लंबी बिल्डिंग होती है ना, लंबी लंबी फ्लैट्स की बिल्डिंग, जस्ट लाइक वैसे ही। तो उसी तरह अगर यहाँ की स्टार्टिंग क्या है, बोरोन से ही स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स ये सब किस में आएंगे, बोरोन की फैमिली में, ठीक है। और ये सब किसकी फैमिली में आएंगे, कार्बन की फैमिली में। इनका ग्रुप नंबर कितना है, 14। ये नाइट्रोजन की फैमिली होगी, इनका ग्रुप नंबर हो गया 15। ये ऑक्सीजन की फैमिली होगी, इसका ग्रुप नंबर हो गया 16, ठीक है। क्लियर हो रहा है चीज़ें। अब ये सुनो, आप बोलोगे ये क्या लिखी है 3, 4, 5, 6, ठीक है। ये थोड़ा सा ना मेरी तरफ से एक्स्ट्रा मैं ऐड कर रही हूँ, देखो मेरी तरफ से नहीं है, पीरियोडिक टेबल में है, मैं एक्स्ट्रा ऐड ये कर रही हूँ कि मैं एटॉमिक नंबर के साथ एक चीज़ और आपको बता देना चाहती हूँ कि वैलेंसी, ठीक है। अगर आप इस बोरोन की पूरी फैमिली की बात करेंगे, इन सब की वैलेंसी कितनी होती है, 3, ठीक है। और कार्बन की पूरी वैलेंसी होती है, जितनी भी इनके नीचे ग्रुप है इन सब की वैलेंसी होगी 4। और नाइट्रोजन से लेकर नीचे तक इन सब की वैलेंसी होगी 5। और इन सब की ऑक्सीजन से लेकर यहाँ तक पूरी की पूरी वैलेंसी कितनी होगी, 6, ठीक है। अब तो ये तो समझ लिए भाई कि वैलेंसी क्या होता है, अब समझ लिए कि ट्रिक क्या होता है, हम एकदम भूल गए, ठीक है, हम एकदम भूल गए कि पी ब्लॉक में क्या होते हैं एलिमेंट, हमको बिल्कुल भी नहीं पता। तो ये रहा ट्रिक। देखो बोरोन की फैमिली को लर्न करने का सबसे अच्छा ट्रिक है बोल, ये हो गया बोल, बोल बोल, बी से बोल, आलसी, गायका, इंडियम, थैलम, ठीक है। फिर सेकेंड आई रिपीट, बोल, आलसी, गायका, इंडियम, थैलम, ठीक है। चलो ये तो हो गया एलिमेंट नेम, ठीक है, ग्रुप 13 का हो गया। अच्छा हाँ, पीरियड के बारे में तो बताने ही भूल गई। देखो ये साइड में जैसे होते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। इन ये सब कितने नंबर पीरियड में आते हैं, सेकंड पीरियड में, इसीलिए इसको हम जब भी स्टार्ट करेंगे तो 2P से स्टार्ट करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेंगे तब, ठीक है। वो मैं उसका नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगी, कॉन्फ़िगरेशन का भी मैं अलग से बनाऊंगी। मैं सोच रही हूँ छोटे छोटे टर्म्स में मैं आपको बताती जाऊँ, ठीक है। अब देखो, अब ये हो गया एलुमिनियम की जितने, ये किस पीरियड में आ गए, किस पीरियड में आ गए, 3rd, और ये किस पीरियड में आ गए, 4th, ठीक है। उसी तरह इंडियम का देखिए 5, थैलियम का देखिए ये सब 5th। चलो पीरियड समझ में आ गया। अब हम आते हैं एटॉमिक नंबर स्टार्ट कैसे करेंगे, जैसे बोल, आलसी, गायका, इंडियम, थैलियम, इसे कैसे करेंगे। बोरोन का तो हमको पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5, ठीक है। तो ट्रिक ये रहा, आप बोलोगे ये तो क्या लिखी है, कुछ समझ नहीं आया, ट्रिक तो यही है ना, ट्रिक ये है कि आप क्या करोगे, सबसे पहले बोरोन में अगर +8 करोगे तो टोटल कितना आता है, 13। तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13, निकल गया एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर। उसी तरह देखो गैलियम का कितना होता है, गैलियम का हमको बिल्कुल मालूम, मेरे को बिल्कुल नहीं पता, कैसे पता करेंगे, कुछ नहीं, हम लोग कितना ऐड करेंगे, 18, किस में ऐड करेंगे, इस 13 में 18 को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 1 आ गया ना, 31 आ गया ना, खुद से भी क्या क्या ऐड, मैं खुद से भी ऐड करके देख लेना। अब नेक्स्ट मान लो इंडियम का नहीं पता, तो इसमें हम लोग कितना ऐड करेंगे, 18, किससे ऐड करेंगे, ऊपर वाले इसके एटॉमिक नंबर से ऐड प्लस करके हम लोग फिर देखेंगे तो आएगा 49। उसी तरह लास्ट वाले में हम लोगों को कितना प्लस करना है, 32, ठीक है। सेम ऐसे ही सबके साथ करना है, करके देख लेना आप लोग एक बार फिर से, नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कर देना नहीं हो रहा, तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि कहाँ प्रॉब्लम है,
ठीक है, लेकिन आएगा, सबका आएगा और इसी ट्रिक से सबके एटॉमिक नंबर आएंगे। अब आते हैं हम लोग ग्रुप 14 में आते हैं कार्बन की फैमिली में, ठीक है। अब इसको कैसे याद करेंगे, इसको याद करने का तरीका है काशी गए सन पंडित। और इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4, चार धाम की यात्रा, यानी काशी जो जाएंगे वो चार धाम की यात्रा करेंगे, मतलब उनकी वैलेंसी कितनी हो गई, 4। चलो ठीक है, अब इसका भी एटॉमिक नंबर सेम वैसे ही, कितना ऐड करेंगे, मान लो हमको इसके सिंगल के बारे में हमको पता नहीं इसका एटॉमिक नंबर कितना है, प्लस ऐड करके देख लेना आएगा इतना ही। इसमें कितना ऐड करेंगे, 18, ऐड करते जाना, जब आप भूल गए हैं तब ये ट्रिक है, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट वन में 18, फिर लास्ट वाले में 32, याद रखना आप लोग, ठीक है। इस तरह से आप पूरा सबको करते जाइए। और कार्बन, फिर नाइट्रोजन की फैमिली आ जाइए 15 में, इसको हम लोग कैसे मतलब याद करेंगे, इसका आपको याद करने का तरीका है ना प्यार ऐसा सब बीमार, ठीक है। और लास्ट है ओ से शे टेपो, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ आया हो, अगर समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, थैंक यू।